हवामान विभाग ने वरसाद ने लेने आगाही करवामां आवी छे। राज्य में सात दिवस छूटाछवाया वरसाद की आगाही कराई छे। नवसारी, वलसाड, तापी और दमण में वरसाद की आगाही कराई छे। अमदावाद, दाहोद, महिसागर में पण वरसादी माहौल रहेशे। आ साथे छूटोछवायो तो क्यांक धोधमार वरसाद पड़ी शके तो राजकोट, जूनागढ़ और अमरेली में पण वरसाद रहेशे। तो आज दक्षिण गुजरात की बात करिए तो नवसारी, वलसाड, तापी और दमण में पण हळवो वरसाद रहेवानी हवामान विभागे आगाही करी छे। तो बीजी बाजु सौराष्ट्र में अमरेली, जूनागढ़, गीर सोमनाथ पण वरसादी माहौल जोवा मळी शके। हल्की बारिश देखी जा सकती है गुजरात के साउथ सदर्न हिस्से में, जिसमें मुख्य रूप से नवसारी, वलसाड, तापी, दमन और डीएनएच शामिल है। अगर हम नॉर्थ गुजरात रीजन की बात करें तो उसमें अहमदाबाद, दाहोद, महिसागर में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ अगर हम सौराष्ट्र और कच्छ में बात करें तो कच्छ में मोस्टली जो है बारिश नहीं होने की संभावना है, तो वो मोस्टली ड्राई होने की रहने की संभावना है। और सौराष्ट्र में, साउथ सौराष्ट्र रीजन में एक दो डिस्ट्रिक्ट में जो है लाइट रेन होने की संभावना है, जिसमें राजकोट, जूनागढ़ और अमरेली शामिल है अगले 24 घंटे के लिए। और उसके बाद डे टू ऑनवर्ड्स मोस्टली जो है नॉर्थ गुजरात में बरसात बिल्कुल नाके बराबर होने की संभावना है, जिसकी वजह से हम नॉर्थ गुजरात में ड्राई स्पेल देख पाएंगे। और साउथ गुजरात में नवसारी, वलसाड, तापी, दमन और डीएनएच में ही हल्की फुल्की बारिश सीमित रहेगी। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में बात करें तो कच्छ मोस्टली ड्राई रहेगा, और सौराष्ट्र में, साउथ सौराष्ट्र में अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ तथा दीव में जो है हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है डे टू ऑनवर्ड्स। इसी के साथ अगर हम बात करें अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में एक दो लाइट स्पेल हो सकते हैं।